हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप सभी को मेरा राम राम। तो आप लोग बताइए कि आपको मेरा कल का ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई लोग, ब्लॉग अच्छा ही लगेंगे या अच्छे नहीं लगे, अगर कमी लगती ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लाऊंगा। ठीक है, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ अलग तरीके से। तो भाई अभी नहा धो के एकदम से रेडी हो गया हूँ और अभी घर से निकलना है। क्या है ना कि i20 गाड़ी क्लेम पे देती, उनने एक खर्चा और बढ़ा दिया मेरा, उसमें खर्चा बढ़ा दिया, खुद बना के देंगे। उस दिन उनके ग्रुप बनते ना, तो उसमें मैंने उनकी थोड़ी सी पिलाई व खिंचाई कर दी। उसमें जो टायर के ऊपर वाला, जैसे बाइक में बम्फर नहीं होता ऐसे ही होता है, तो वो उनने वो हटा दिया पूरा। तो मैंने फ़ोटो वोटो खींच के भेजी उनको, और नए बम्फर लगना था तो बम्फर तो लगा के दे दिया, और नक्के नहीं लगाए लाइट के, तो वो सब कराने के लिए शोरूम जा रहे हैं। तो भाई अभी मैं शोरूम के लिए जा रहा हूँ। ये देखो हमारे पिल्लू लोग सब खेल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, और ये एक आधे मेरी गाड़ी के नीचे भी घुस गए हमें लग रहा। ओए क्या कर रहा है चट्टू, चट्टू कर रहा है, धूप में क्यों बैठी हो ओली, इधर आओ, बहुत चिल्ला रहा तू। भाई गाड़ी के नीचे अभी कुत्ते घुस गए, और सामने इतनी झाड़ फूक हो गई है, इसको मम्मी से ही हटवा देते हैं। मम्मी इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये फूस हटा दो, फूस जो पड़ी है। हाँ बस तो मम्मी ने फूस हटा दी। आओ रे, क्या नीचे कोई है ना? हाँ नहीं, भाई अभी रास्ते में हमको प्रियांजल भैया मिल गए, तो बोले कि मैं भी चलूँगा रात में घर पे, क्या करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो बोल रहे बस पूजा कर ले, बरंदी बाबा मंदिर में आए पूजा करने, तो जल चढ़ा लें, फिर इसके बाद ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो चलो कुछ मज़े ही आएंगे भैया के साथ, तो उस मज़े को लूटेंगे। तो भाई लोग भैया भी आ गए पूजा करके, आपको दिखाया था ना अभी कि पूजा कर रहे हैं। तो भैया आप इतने दिन बाद मिले हो, आप फिल्म सिटी में रहते हो, तो थोड़ा मेरे सब्सक्राइबरों को कुछ बताओ जरा, वहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है। सवेरे 7 बजे सूट पे चले जाओ, शाम को 7 बजे तक सूट करते रहो। तो कौन सा सूट होता है, कोट पैंट वाला कि वो? अरे नहीं यार, वो अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अच्छा ये वाला सूट, हम तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके बाद उन्हीं का एक सीरियल चालू हो रहा है, बातें कुछ अनकही सी, स्टार प्लस पे। तो इस पे आप लगे हुए हैं? तो इस पे हम लगे हुए हैं इस समय। अच्छा अच्छा, ये बात है। बाकी सारा दिन सूट पे ही निकल जाता है एक्टर्स के बीच। तो आप लोगों ने तो भैया को पहले मेरे पहले ब्लॉग में देखा ही होगा, बीच में मिस कर दिए थे डालने, लेकिन अभी तो भैया, अब मैं ब्लॉग डालने लगा हूँ तो अभी भैया आए हुए हैं, तो थोड़ा भैया के साथ घूम रहे हैं। और हाँ, और बालवीर, बालवीर के साथ भी है, बालवीर के साथ भी अपना शूट चला करता है। तो भैया मेरे सब्सक्राइबर से कह दो, और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, भाई लोग, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कहते जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लो, मुझे कहना ना पड़े, वो भी सब्सक्राइब कर लो, सच में सब्सक्राइब कर लो भाई, आपको एक से एक अपडेट मिलती रहेंगी। और कह दो मेरे जो दोस्त वो भी, मेरे जो दोस्त हैं वो भी, और कभी भाई मुंबई आएगा तो भाई पूरा ब्लॉग भी बनाएगा। ये तो मुंबई सब्सक्राइब करवाओगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप फिल्म सिटी में आओ, आप आएंगे तब करवाएंगे, जब हम आएंगे तब करवाएंगे। क्या अरे मतलब आओ ब्लॉग बनाओ और... नहीं अभी यार जाके वहाँ लोगों से करवाओगे? हाँ बिल्कुल करवा देंगे। तो चलो फिर ठीक है, सारे जितने भी एक्टर्स भाई लोग हैं अपने सबसे करवा देंगे, बालवीर से करवा देना, वो जो उनके रानी पर ही है उनसे कह देना छड़ी घुमा दे, तो 2-4 हजार तो अपने आप पड़ ही जाएंगे। हाँ करवा देंगे, अंतलु बंतलु बंतलु से भी कह देंगे, तौबा तौबा कहेगा, तौबा तौबा इतने सब्सक्राइबर, उनसे भी कर देंगे, करवा देंगे। चलो ठीक है, बंद कर दे भाई। अभी हम लोग कंपनी पहुंच गए हैं, ये देखो टायर की इस जगह पे जो लगा होता ना वो हटा दिया, तो यहाँ पे भी ये अभी रिपेयर करेगा, सभी खराब से हैं। तो भाई अभी शोरूम में बैठ के वेट कर रहे हैं हम लोग, फोटोग्राफी एंड कैमरा नॉट अलाउड, कोई भी व्हीकल पे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग फोटो वीडियो बना बना के यहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई हैं, यानी कितनी इस वजह से सब नॉट अलाउड है। तो भाई अभी हम लोग हुंडई के शोरूम में बैठे थे बहुत देर से, काफ़ी देर से, तो अब हम लोग को लगी भूख, तो हम लोग कुछ जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा टाइम, आज मंडे पड़ गया, इतना ज़्यादा रश है, कुछ कहीं ना कहीं इनने कल बुलाया था हमें,
तो कल वायु के बर्थडे के पीछे हम लोग आए नहीं, अब चलो आज काम में टाइम हो रहा है, सारा दिन पूरा आज शोरूम में बैठे बैठे बर्बाद। रंजन भैया पता नहीं कौन था, ब्लॉगर्स भैया कह रहा था, ब्लॉगर्स भैया कह रहा था यार, स्कूल का बच्चा था वो देख रहा था मुझको, अब बताओ यार ब्लॉगर्स भैया, ब्लॉगर्स ही बोला था यार वो, ब्लॉगर्स भैया। या तो भाई देखो यहाँ पे गाड़ी में काम शुरू हो गया काफी देर के बाद, निकालना ये लगना था, ये हट गया था पूरी गाड़ी से। बिना पहिया खोले बन जाएगा, क्या हो रहा का क्या है, क्या टेढ़ा हो गया क्या? तो भाई अभी ये सब लगने के बाद अभी बम्पर हमारी गाड़ी का काम हुआ नहीं है, तो अभी हम ये देखो गैप जो है ना वो गैप वैसे ही है, अभी इसमें रबिंग होने जा रही है, रबिंग होने के बाद फिर इसमें इंजन गार्ड लगेगा। रबिंग स्टार्ट नाउ। भाई वहाँ से यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन में गाड़ी आ गई है, यहाँ से ऊपर उठाई जाएगी गाड़ी, फिर इसमें इंजन गार्ड लगेगा, उसके बाद फिर इसकी वॉशिंग होगी, फिर हम इसको घर लेके जा पाएंगे। ये इंजन गार्ड को अंदर रखा हुआ, उसको निकाल दिया, ये इंजन गार्ड है। नहीं यार ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हाँ उनके मालिक के पास ज्यादा पैसा खरीद लिया। अब यहाँ पे भी गाड़ी धुलवा देते हैं, ना होने पे जगह ना होने पे, है ना, यहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से, गाड़ी अच्छे धुल जाती है, वहाँ क्या पैसा, वहाँ तो धुल होता सर्विस के पीछे धुलाई करते हैं ढंग से, यहाँ बिल्कुल चमक जाती है गाड़ियाँ एकदम अच्छे से। रख लीजिए क्या? तो गाइस फाइनली हमारी कार यहाँ पे एकदम वॉश होके रेडी हो गई, किनारे दिख रही है आपको, तो अब यहाँ से हम लोग कार लेके निकलेंगे। कम से कम आज हम लोग आए थे यहाँ पे 11 बजे और अब बज रहा है 6:30। हुंडई की सर्विस, मतलब सर्विस वाले तो अच्छे हैं, जो ये इंश्योरेंस वाले हैं ना बहुत ही बेकार हैं। जब इंश्योरेंस कराना होता तो 100 कॉल करेंगे, जब इंश्योरेंस लेना हो ना तो इनके घुस जाओ तभी इंश्योरेंस देंगे, नहीं तो तुम्हें तो चूतिया बना देंगे। तो भाई इनसे सावधान रहें, इंश्योरेंस इसी जगह से करवाएं जहाँ से आपको आराम से आप इंश्योरेंस लेना चाहो तो आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर अभी यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, और अभी दूध लेने भी जाना है तो दूध लेते हुए घर जाएंगे सीधे। काफ़ी दिनों के बाद चमक गए एकदम। तो भाई फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद ना अब हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को वॉश करा के और इंजन गार्ड वगैरह सारे काम करा के यहाँ से निकल चुके हैं। पर रेटिंग ना भाई तेरा भाई 0 ही देगा इनको, क्योंकि ना इनने ऐसे काम कि भाई इनने ऐसी काम और ऐसी बात बताई है ना जो जैसे कि हम घर पे करते हों। ठीक है, रेटिंग के लिए भी फ़ोन आएगा, फिर बताते हैं आप लोगों को, अपडेट देंगे इसका। तो भाई फाइनली घर पहुंच गए हैं और दूध भी ले आए और सबके लिए थोड़ी सी चाउमीन भी ले आए हैं, और सारा दिन आज पूरा हुंडई के शोरूम में निकल गया है।
देखो मेरा गुंडा लेटा है साला, ये गुंडा ही कर रहा है यहाँ, ये देखो क्यों क्यों बे छाले फोन नहीं किए तूने मुझको है? याद नहीं आई कि फोन कर ले ना, बस झूला झूल लो आराम से बिल्कुल रंगबाजी से। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग? आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले भाई, घर की बात है क्यों भाई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है भाई, एक लाल बटन दबाना है बस भाई, वो दबा दो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैसे लोगों को फेस करते हैं ना ये मैं ही समझ सकता हूँ। तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ रहे हैं भाई आप लोगों से, और वीडियो को भी लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।